हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुपमार 1234 ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत रात के 8 बजे से हो रही है और कल के ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा होगा कि कल शादी थी हमारे यहाँ और आज भी इसी ब्लॉग में, मतलब आज ही थी शादी। और ये नेक्स्ट ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ अभी, क्योंकि आज होगी सांस बिठाई रस्म। तो किस प्रकार से होती है, बारात पहुँचने वाली है, जल्दी जल्दी चल लेते हैं और तब दिखाते हैं कि किस प्रकार से होती है रस्म। तो चलो वहीं पे मिलेंगे अब सीधे आपसे। तो यहाँ पे आधी बारात तो आ चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे अभी पहले सामान आ रहा है और अभी दूल्हे की गाड़ी ना आगे जो दिखाई दे रही है वहाँ पे पहुँची है। तो जब तक वो आती है हम वेट करते हैं और फिर दिखाते हैं किस प्रकार से होती है। और यहाँ पे कानी हम लोग सारे वेट ही कर रहे हैं ना। कानी, मज़ा आया शादी में कि नहीं आया बता? बहुत सारा मज़ा आया। तो यहाँ पे फाइनली बारात पहुँच चुकी है, आगे आगे सामान आ रहा है और बारात वाले पीछे से। तो पूरा आपको एंजॉय कराएंगे, आप एंजॉय कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और एक थोड़ा अंधेरा होकर रखा है इस वजह से। और ये यहाँ पे दादाजी और यहाँ पे दर्शक गण भी पहुँच चुके हैं देखने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लोटे में पानी को ले जाया जा रहा है, तो इसको दुगड्डी बोला जाता है हमारे यहाँ। और जब बारात आती है तो बारातियों के ऊपर इसको छिड़का जाता है और ये शुभ माना जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे अभी पूरी तैयारी हो चुकी है और नीचे से आ रही है बारात, तो आपको पूरा ही दिखाएंगे हम। पटाखों की हो रही है बौछार, वाओ। पे दुल्हन स्वागत की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो सबसे पहले जो ननंद होती है वो अपनी भाभी यानी कि जो दुल्हन होगी उनके पैर धोएगी, और उसके बाद जो दूल्हा भी होता है ना उसके भी पैर धोए जाते हैं, वो भी ननंदी द्वारा धोए जाते हैं, और फिर इसके ना पैसे भी मिलते हैं। और इसके बाद आगे की जो भी होता रहेगा आपको बताते रहेंगे। तो ननद के बाद बारी आती है दुल्हन की,
तो जब ननन पैर धुल लेती है उसके बाद दुल्हन जो कि बहू होगी घर की उसके द्वारा घर की जितनी भी सासें होंगी सबके पैर धोए जाते हैं। सबसे पहले अपने सास के, उसके बाद जो दादी सास होती है दादी सास के, फिर अगर किसी के परिवार में चाची सास, मामी सास, नानी सास कोई भी हो सबके पैर धोए जाते हैं। और किस प्रकार से होता है देखो आप भी और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे पैर धुलाई के बाद अब आती है नेक्स्ट रसम, जिसमें कि जिसको कि देल अड़ाई बोला जाता है कि पता नहीं क्या ही बोला जाता है दोस्तों, मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है। तो इसमें ये होता है कि देली को रोक दिया जाता है और पहले जो दुल्हन होती है ना उससे शगुन के पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद ही दुल्हन को अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा कन्वर्सेशन चल रही है कि कितने पैसे लेने हैं डिमांड, और देखिए क्या होता है और कौन जीतता है। तो अब यहाँ पे अगली रसम होगी सास भिठाई रसम, जिसमें कि सास को तोहफे दिए जाते हैं और जो सास होंगी वो भी बहू को तोहफे भेंट में देती हैं। तो ये किस प्रकार से होता है और कौन क्या क्या गिफ्ट देता है तो देखिए आप भी। तो अंदर तो रसम चल रही है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, जो कि अभी दाल नहीं मिली है। अभी दाल नहीं मिली है, वेटर है। और पंडित जी ने दाल दी थी, पंडित जी दाल दे रहे हैं। सरयू 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 पंडित जी ना पंडित जी। और इधर से भी सारे लोग खाना खा रहे हैं तो हम भी खाते हैं उसके बाद। तो दोस्तों इतने दिनों से आप शादी के ब्लॉग देख रहे थे और आज कल भी क्या पता देखने को मिले आपको धारा पूजन वाली रसम। तो देखते हैं उस टाइम में जा पाती हूँ या नहीं, और
ज़्यादा ना बोलते हो इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं और उम्मीद करते हैं आप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।